आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना काल की शुरुआत से स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात किए। रविवार की छुट्टी वाले दिन भी सभी कर्मचारी और अधिकारी अस्पताल आ रहे हैं। ताजनगरी में जहां एक ओर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार 70 दिन तक लोगों को लॉकडाउन का पालन भी करना पड़ा। जब हम सभी अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, तब हमारे स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवार को छोड़कर कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए थे। आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे यहाँ सैनिटाइजर तो डेली 25 से 30 लीटर डेली खर्च होता है, और इसी में खर्च होता है कि मरीज आ रहा है उसका भी हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, जिससे कैसे भी सुरक्षा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें और कोरोना से जीत। हमारे यहाँ जब सब जगह किल्लत थी उस समय भी किल्लत नहीं थी, और आज भी किल्लत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। हाँ, हमारे यहाँ पीछे करीबन 17-18 बेड का है, व्यवस्था है, 2 वार्ड बने हुए, सब व्यवस्था है। अब तो हमारे यहाँ ओपीडी भी चालू हो गई है, इमरजेंसी ओपीडी, तो उसकी अलग व्यवस्था। हम तो मरीज के संग अगर कोई अटेंडेंट आता है और वो अगर मास्क नहीं लगाए तो उसे भी टिफिन लिए मास्क देते हैं लगाने के लिए। ये तो ऊपर वाले की कृपा रही है कि जिला अस्पताल में एक भी कर्मचारी किसी भी कैडर का कोई भी न पॉजिटिव आया, न कोई ऐसे लक्षण आए उसमें कि उसे होम क्वारंटाइन करने की आवश्यकता हुई। हाँ, जो एक्टिव क्वारंटाइन टाइप जो गाइडलाइन थी शासन की, उसके अनुसार जैसे 14 दिन करने के बाद 14 दिन होटल में रहे, वो एक अलग व्यवस्था थी शासन की, वैसे रहे। लेकिन वैसे लक्षण किसी में कोरोना के हमारे यहाँ नहीं आए, ये ऊपर वाले की कृपा रही है। ये नज़ारा जिला अस्पताल का है, जहाँ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कोरोना संकट काल के दौरान यहाँ पर सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। लगातार ओपीडी बड़ी संख्या में की जा रही है। जिला अस्पताल में रोजाना 30 डायलिसिस की जा रही हैं, साथ ही इमरजेंसी में ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय जिला अस्पताल प्रशासन को जाता है। अनिल, सी न्यूज़, आगरा।